कि कोटिंग कोटिंग मैकेनिज्म्स जो होती हैं वो हम क्यों यूज करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन करके बताया दिया था कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होती हैं, डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स होती हैं, कुछ ऐसे डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो कि एक बिल्ट इन उनका एक फंक्शनलिटी होता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और कभी हमने उस बिल्ट इन फंक्शनैलिटी को या उस बिल्ट इन वर्क को यानी उसकी स्पेशलिटी को ख़त्म करना हो तो हमें किसी न किसी तरीके से उसको ख़त्म करना होता था, जिसके लिए हम एस्केप सीक्वेंसेस यूज करते थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जावा में मुझे कहीं पर बैक स्लैश लिखना हो तो मुझे दो बैक स्लैशेस लगाने पड़ते थे। ठीक है, क्योंकि बैक स्लैश का अपना एक स्पेशल मीनिंग हुआ करता था। अगर मुझे उस स्पेशल मीनिंग को, उसकी स्पेशलिटी को अगर मुझे ख़त्म करनी हो तो मुझे उससे पहले एक बैक स्लैश लगाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो क्या होता था, उसकी स्पेशलिटी ख़त्म हो जाती थी। इसी तरह शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर भी कुछ मैकेनिज़म्स मौजूद हैं जो कि मेटा करेक्टर्स को यानी मेटा करेक्टर्स की स्पेशलिटी को ख़त्म करने में काम आती है। ठीक है, वो कोटिंग मैकेनिज्म कौन कौन सी है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर स्पेशल करेक्टर्स हमें नजर आ रहे होते हैं। ये सारे स्पेशल करेक्टर्स शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर कोई ना कोई स्पेशल वर्क कर रहे होते हैं, यानी इनकी कोई ना कोई स्पेशलिटी है शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर। अगर हमें इनकी स्पेशलिटी को ख़त्म करना हो, इसकी स्पेशल मीनिंग को लूज करना हो, तो हमें किसी न किसी मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। वो मैकेनिज्म है कोटिंग मैकेनिज्म। डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, उन मैकेनिज्म्स के थ्रू किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को, किसी भी स्पेशल चीज की स्पेशलिटी को खत्म करने के लिए काम आता है, जिसमें हमारे पास तीन तरह के कोटिंग्स मैकेनिज्म है। नंबर वन है सिंगल कोट, नंबर टू है डबल कोट, नंबर थ्री है बैक स्लैश और नंबर फोर है बैक कोट। ये चार मैकेनिज्म्स हमारे पास अवेलेबल है। इन चार मैकेनिज्म्स को यूज करके हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को या स्पेशल वर्ड की स्पेशलिटी को खत्म कर देते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म्स की हम बात करते हैं तो हमें एक दफा उनका एक प्रैक्टिकल वर्क भी करके देखना होगा। एक थ्योरेटिकल डिस्कशन तो हमने की, तो प्रैक्टिकल वर्क कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बात कर लेता हूं एक मैं यहां पर एक वर्ड लिखने जा रहा हूं, हेलो वर्ड। ठीक है, ठीक है, मैंने हेलो वर्ड इको लिखा, हेलो वर्ड लिखा, एंटर करूंगा तो ये हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं जो प्रिंट करना हो, हेलो वर्ड और हेलो वर्ड के बीच में मुझे यूज करना हो, ठीक है, सेमी कोलन, मैं इसका भी अब इसको मैं एंटर करूंगा तब भी यहां पर सेट हो जाएगा। अब यही चीज मैं अगर gedit में जाके लिख देता हूँ, gedit एक फाइल ओपन कर दी मैंने, इस फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दी और यहाँ पर मैंने लिखा echo hello all world। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। मेटा के नाम से, मेटा डॉट एस एच के नाम से। अब मुझे इसको रन करना हो अगर, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहला काम होगा चेंज मोड करेंगे हम लोग, और चेंज मोड करेंगे डॉट एस एच। जैसी चेंज मोड होगा अब मैं इसको रन कर देता हूँ। देखो मेटा बैकस्लेश मेटा डॉट एस एच। अब यहाँ पर आप देखें थोड़ी देर के लिए तो हेलो तो प्रिंट हो गया, लेकिन जो हमने सेमी कोलन लगाया था वो प्रिंट नहीं हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ गया कमांड नॉट फाउंड। इसकी वजह ये है कि जो हमने यहाँ पर जो मेटा डॉट एस एच के अंदर जो कुछ लिखी है, हमने यहाँ पर सेमी कोलन लगाया, इस सेमी कोलन की शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग है। वैसे ही इसने एरर दे दिया कि भाई आपने यहाँ पर सेमी कोलन यूज किया है लेकिन हम सेमी कोलन को प्रिंट नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज एन स्पेशल मीनिंग ऑफ द सेमी कोलन।
अब इसकी स्पेशलिटी को खत्म करने के लिए जो मैकेनिज्म हमें दी हुई थी, उन मैकेनिज्म को यूज करके इसकी स्पेशलिटी को खत्म कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मैकेनिज्म दी हुई है बैक स्लैश की, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा कि इसकी जगह पर बैक कोट के सेमी कोलन के साथ में लगा देता हूँ बैक स्लैश। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने बैक स्लैश लगा दिया, सेव किया दिया डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पर दोबारा मैं रन करने जाऊँगा, तो आप ये हेलो वर्ड को प्रिंट करेगा, क्योंकि आप सेमी कोलन की स्पेशलिटी को हमने खत्म कर दिया। क्लियर है? इसी तरह बहुत सारे हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं, मैंने यहां पर लिखा इको आई हैव $2,000 $2,000। ठीक है, अब मैं यहां पर प्रिंट करने जा रहा हूं ये चीज, अब मैं इसको सेव कर देता हूं। अब सेव करने के बाद मैं इसको रन करूंगा, तो शेल स्क्रिप्टिंग को भी पता है कि हमारे पास $2,000 हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए 000 दे दिया। ऐसा है? ऐसा क्यों हुआ? वेरिएबल को प्रिंट करवाना हो, हम डॉलर यूज करते थे, अब डॉलर $2,000 लिखा हुआ तो इसकी कोई मीनिंग ही नहीं मिल रही है इनको, कोई $2,000 का कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसने यहाँ पर जीरो प्रिंट कर दिया। अब अगर मुझे ये बाकायदा आई हैव $2,000 को प्रिंट करना हो, तो यहाँ पर मैंने अगेन बैक स्लैश की मैकेनिज्म को यूज करते हुए जैसे यहाँ पे बैक स्लैश लगा देता हूँ और मैं सेव करके इसको दोबारा मैं रन करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आई हैव $2,000। ये है बैक स्लैश मैकेनिज्म, यानी कोटिंग मैकेनिज्म के अंदर बैक स्लैश का काम। ठीक है, इसी तरह यहां पर एक कमांड है डेट, सबको पता है डेट कमांड है, मैं इंटर करूंगा तो इसके डेट प्रिंट करता है यहां पर। अब अगर इसी डेट को मैं gedit के अंदर प्रिंट करना चाहूं, तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूं? फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना देता हूं मैं डेट का, और इस वेरिएबल के अंदर जो डेट है हमारा ओरिजिनल उसको रखना चाहता हूं, तो डेट की अपनी एक स्पेशल मीनिंग है, जो डेट का भी इसकी अपनी स्पेशल मीनिंग है, तो ये जो हमने वेरिएबल बनाया इसमें असाइन नहीं हो सकता जब तक इसके ऊपर कोई कोटिंग मैकेनिज्म अप्लाई ना करें। तो जब भी कोई कमांड को किसी वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करना हो या कमांड को किसी वेरिएबल के साथ अटैच करना हो, तो आपको यहाँ पर कोटिंग मैकेनिज्म को यूज करना होता है, और वो कोटिंग मैकेनिज्म जो है कहलाता है बैक कोट मैकेनिज्म। बैक कोट लगाते हैं हम लोग, इसके आगे बैक कोट लगाएंगे, इसके आगे बैक कोट लगा देंगे। अब मैं यहाँ पर इको करूंगा डेट को, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेट प्रिंट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है बेटा, क्या करने जा रहा हूं मैं? अब देखें आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, सो बैक स्लैश और जो बैक कोट मैकेनिज्म है वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। मसला यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि यहां तक तो ठीक है, अब मेरे पास एक वर्ड है इको और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसको इको करने जाऊंगा, तो यहां पर देखो बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं। अब सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को मैं बैक कोट के थ्रू या बैक स्लैश के थ्रू हैंडल तो कर सकता हूं, लेकिन क्या होगा, ये एक हैक्टिक तरीका होगा। अब देखें मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो लिखी हुई है यहां पर, अब मुझे वन बाय वन हर एक स्पेशल चीज के आगे क्या लगाना होगा, बैक स्लैश लगाना होगा, फिर यहाँ पर आगे एक बैक स्लैश लगाना होगा, फिर यहाँ पर आगे एक बैक स्लैश लगाना होगा, फिर परसेंटेज की स्पेशलिटी को खत्म करने के लिए बैक स्लैश, बाकी ये सब कुछ तो ठीक है, फिर मुझे डॉलर की स्पेशलिटी को खत्म करने के लिए बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, हैश की स्पेशलिटी को खत्म करने के लिए बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, बैक स्लैश की स्पेशलिटी को खत्म करने के लिए बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की स्पेशलिटी को खत्म करने के लिए मुझे बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। तो इस तरह ये बहुत हैक्टिक तरीका है, बहुत छोटा सा चीज है लेकिन बहुत ज्यादा हैक्टिक तरीका है। इस ऐसी जगहों पर इस तरह की सिचुएशंस के अंदर हम लोग बैक स्लैश मैकेनिज्म को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं,
लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर सिंगल कोट मैकेनिज्म यूज करते हैं, जस्ट हमें एक सिंगल कोट यहाँ पर लगाना होगा और एक सिंगल कोट हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो क्या हो जाएगा इसकी जितने इस सिंगल कोट्स के बीच में आपके पास स्पेशल करेक्टर्स अवेलेबल हैं सबकी स्पेशलिटी लूज कर जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको रन करेंगे जाके तो आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट है ये आपको नजर आ रहा होगा दोनों जगहों पर। अगर मैं ऊपर यहाँ पर कहीं गलती से कोई स्पेशल करेक्टर भूल गया, यहाँ पर कहीं पर मैं बैक स्लैश लगाना भूल गया, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे आपको एरर दे देगा कि किस किस जगह पर आपके पास मसले आ रहे हैं। ठीक है, सो ये है सिंगल कोट मैकेनिज्म। ठीक है, ये कहलाता है हमारे पास सिंगल कोट मैकेनिज्म। और जो फाइनल हमारे पास है वो है हमारे पास डबल कोट मैकेनिज्म। डबल कोट मैकेनिज्म में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहां पर, देखें ये चीज मैं इसी को ही देख लेते हैं हम लोग, आई हैव स्पेंट 1000 फ्रॉम देम इन शॉपिंग। ठीक है, शॉपिंग कर लेना कुछ ना कुछ शॉपिंग। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंगल कोट मैकेनिज्म अप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डॉलर्स की जगह पर और कहीं पर भी मुझे कुछ भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसी सेम चीज के ऊपर मैं डबल कोट मैकेनिज्म यूज करता हूँ तो देखें क्या होता है। मैंने यहाँ पर डबल कोट मैकेनिज्म यूज की और यहाँ पर डबल कोट, जैसी मैंने डबल कोट मैकेनिज्म यूज की आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो डॉलर के साथ चीजें लिखी हुई थी वो उनकी स्पेशलिटी अब खत्म नहीं हुई है, उनकी स्पेशलिटी अब खत्म नहीं हुई है क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो भी डॉलर साइन लगता है वो डॉलर साइन वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है इसकी स्पेशलिटी खत्म नहीं होती है। तो उस वक्त हमें क्या करना होता है, बैक डबल कोट्स के साथ अगर हमें इसकी स्पेशलिटी को खत्म करनी हो तो बैक स्लैश भी यूज करना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है, सो इस वजह से हमने क्या कर दिया कि बैक कोट के साथ हमने बैक स्लैश भी यूज कर लिया। सो इस तरह डिफरेंट कोटिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू हम जितने भी मेटा करेक्टर्स हैं उन सारे मेटा करेक्टर्स की स्पेशलिटी को खत्म कर सकते हैं यूजिंग बैक कोट मैकेनिज्म।